हर महादेव दर्शकों जय महाकाल। आज की इस वीडियो में जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं वो उपाय आपको कर्ज से मुक्ति देंगे, रोग से मुक्ति देंगे, आपके धन संपदा की जो कमी है आपके घर में उसमें बरकत होने लगेगी और आपके जो भी समस्याएं हैं वो सब समाप्त होंगी। तो ये उपाय आपको एकादशी वाले दिन करने हैं। जिस दिन भी एकादशी हो ये उपाय आप जरूर करें, किसी भी एकादशी में आप ये उपाय किया करें, आपके जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। एकादशी वाले दिन आपको क्या करना है, आपको एक मुट्ठी चने की दाल लेनी है। अगर आप हो सके तो एक दिन पहले चने की दाल को भिगो दीजिए और नहीं तो आप ऐसे ही सादा दाल भी ले जा सकते हैं। अगर एक मुट्ठी दाल ना हो तो आप 108 दाने, 51 दाने इस तरीके से भी आप चने की दाल ले सकते हैं, और वरना आप एक मुट्ठी चने की दाल ले लीजिए। और जैसे आप विधि विधान से पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं भोले बाबा का, बेलपत्र चढ़ाएँ, मिठाई अर्पित करें, या जो भी आप जिस तरीके से पूजा करते हैं वैसे आपको पूजा करनी है शिव मंदिर जाकर, और वो जो चने की दाल है वो आपको शिव जी पर चढ़ानी है। एक मिट्टी जो आप चने की दाल ले गए या जितनी भी आप चने की दाल ले गए वो आपको शिव जी पर चढ़ानी है, बद्री केदार महादेव का स्मरण करते हुए। ध्यान रखिए, बद्री केदार महादेव का स्मरण करते हुए चने की दाल वो शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है एकादशी वाले दिन। और देखिएगा, इससे आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूरी होगी। और वहीं बैठकर थोड़ी देर आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कीजिए। एकादशी वाले दिन आप पीले वस्त्रों का दान करें, पीले चीज़ों का दान जरूर करें, पीले वस्त्र पहनें और एकादशी वाले दिन भगवान महादेव का भी नाम स्मरण करें और भगवान विष्णु का भी नाम स्मरण करें। जितना हो सके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। केले के वृक्ष पर एकादशी के दिन दीपक जरूर जलाएं, पूजा करें केले की भी विधि विधान से। इस तरीके से आप देखिएगा एकादशी वाले दिन एक छोटा सा ये उपाय कर लीजिए चने की दाल का, देखिएगा आपकी जो भी मनोकामना होंगी वो जरूर पूरी होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय महाकाल।